वृश्चिक राशि वालों के लिए अब खुशखबरी लेकर आएंगे शनिदेव। शनिदेव की सीधी चाल से वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में आएगा बहुत बड़ा बदलाव। तरक्की के रास्ते खुलेंगे, जीवन में सुख समृद्धि दस्तक देगी, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा और प्रमोशन का योग बनेगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूँ गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये पोस्ट जो है ये वृश्चिक राशि पर है, जिनका स्कॉर्पियो जोडिक साइन है, ये पोस्ट उन पर है और चंद्र राशि के मुताबिक है। जिन लोगों के जन्म के समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर रहे होते हैं, उन लोगों की कुंडली में वृश्चिक राशि होती है। मैं अपनी सारी पोस्टें चंद्र राशि के मुताबिक ही बनाता हूँ। जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम मालूम नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर के मुताबिक भी ये पोस्ट देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों का नाम तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू से शुरू होता है, ऐसे लोगों की वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि पर हालांकि शनि की ढैया भी चल रही है और 29 मार्च 2025 तक रहनी है, लेकिन इसके बावजूद अब वृश्चिक राशि वालों का गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोल्डन टाइम जो है वो शनिदेव लेकर आ रहे हैं। शनिदेव इस समय उल्टी चाल चल रहे हैं और 29 जून 2024 से चल रहे हैं, जिससे उनके शुभ फलों में कमी चल रही है। लेकिन 15 नवंबर 2024 को 139 दिन की उल्टी चाल पूरी करने के बाद शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल चलने लगेंगे, तो वृश्चिक राशि वालों के जीवन में काफी पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आएंगे। वृश्चिक राशि वालों ने जो सपने लंबे समय से संजो रखे हैं, वो सपने पूरे होंगे, समाज में आपका स्टेटस बढ़ेगा। शनिदेव के सीधी चाल चलने के बाद एक के बाद एक उपलब्धियां वृश्चिक राशि वालों के खाते में दर्ज होती जाएंगी, इनकम के नए सोर्सेज बनेंगे, जीवन में चल रही समस्याओं का एक एक करके निवारण होगा, प्रमोशन के रास्ते में जो बाधाएं आ रही थी वह भी दूर होंगी और कैरियर तेजी से गति पकड़ेगा। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मामले चल रहे हैं तो वहां से भी काफी राहत वृश्चिक राशि वालों को मिलने वाली है। वृश्चिक राशि वाले अगर अपनी संतान के कैरियर को लेकर चिंतित हैं तो उनकी परेशानी भी अब दूर करेंगे शनिदेव। यही नहीं, वृश्चिक राशि वालों के आत्मविश्वास में, कॉन्फिडेंस लेवल में भी इजाफा होगा, जिससे आप अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कदम उठा सकते हैं। नौकरी को लेकर कई सुनहरे मौके आपको मिलेंगे। अगर बेरोजगार हैं तो नई नौकरी मिलने के योग भी बनेंगे। कार्यस्थल पर अगर आप लंबे समय से कोई समस्याएं झेल रहे हैं तो वो अब एक एक करके दूर होती जाएंगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इसके साथ ही आपको आपकी मेहनत का भी पूरा फल मिलेगा, आपके वर्किंग स्टाइल की लोग तारीफ करेंगे। शनिदेव की कृपा से आपको बिजनेस में भी खूब लाभ मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। आप कई नए मौकों का भी लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों या परिवार के साथ किसी यादगार ट्रिप पर भी आप जा सकते हैं। लव लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है, मैरिड लाइफ में खुशियां बनी रहेंगी, घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन होने के आसार भी दिख रहे हैं। माता पिता का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। कला और संगीत की ओर भी आपका रुझान बढ़ेगा। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। जून महीने के लेकर अब तक शनि जो वक्र चल रहे हैं, जो समस्याएं वृश्चिक राशि वाले झेल रहे हैं, वो 15 नवंबर के बाद से शनिदेव की चाल में बदलाव के साथ समाप्त होती जाएंगी। आपको कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है, जिससे आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। शनिदेव की कृपा से आपका राजदरबार में पूरा दबदबा रहेगा, डंका बजेगा। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो कोई बड़ा ओहदा भी आपको मिल सकता है। बिजनेस में कुछ अच्छे मौके आपके हाथ लगेंगे, कोई बड़ी डील आप फाइनल कर सकते हैं। दोस्तों, शनिदेव को हमारे ज्योतिष में और हमारे नव ग्रहों में एक प्रमुख स्थान हासिल है। इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है, कर्म का कारक माना जाता है और ये ऐसे ग्रह हैं जो हमारे कर्मों के मुताबिक हमें फल देते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसे रंग से राजा बना देते हैं और जिन पर उनकी क्रूर दृष्टि पड़ जाती है उस व्यक्ति की थोड़ा मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि हमारे इसी जन्म में हमारे कर्मों के मुताबिक
शनिदेव हमें फल देते हैं। अब इन्हीं शनिदेव का 15 नवंबर से सीधी चाल चलना वृश्चिक राशि वालों के लिए काफी सुखद रहने वाला है। कुछ हैरान कर देने वाली घटनाएं भी आपके साथ होंगी। आपके धर्म कर्म के मामलों में रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा। विदेश जाने की कोई फाइल लगाई है तो अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। शनिदेव सीधी चाल चलने के बाद वृश्चिक राशि वालों को पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ भी देने वाले हैं। आपको शत्रुओं पर विजय मिलेगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट का तोहफा मिलेगा, अपने पसंदीदा स्टेशन पर ट्रांसफर का योग भी बनेगा, पोस्टिंग का योग भी बनेगा, बिजनेस में कामयाबी मिलेगी, सोशल स्टेटस आपका अच्छा रहेगा, फैन फॉलोइंग आपकी बढ़ेगी और संतान से जुड़ी कोई गुड न्यूज आपको मिलेगी, वाहन सुख भी मिलेगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए शनिदेव का सीधी चाल चलना वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत सुखद रहने वाला है। आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को विस्तार दे सकते हैं। आप नया घर, नई दुकान या नया ऑफिस खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दिवाली के बाद ऐसा कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। दिसंबर महीने से ही आपको और भी चमत्कारिक नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके दोस्तों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, अपने बड़े भाई के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे, भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और जो भी इन्वेस्टमेंट आप इस दौरान करेंगे वो फ्यूचर में आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगी। आपकी इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे और पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद भी सुलझ जाएगा, आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, यानी पॉजिटिविटी बनी रहेगी और एक तरह से आपका गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी वृश्चिक राशि वालों को सफलता मिलेगी जिस बारे आपने अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की थी। अगर वृश्चिक राशि वाले पॉलिटिक्स में हैं, सोशल सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं, मल्टीमीडिया में हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हैं, रियल एस्टेट में हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, शेयर मार्केटिंग का काम करते हैं, वकील हैं, अध्यापक हैं, बिजनेसमैन हैं, तो शनिदेव आपको आपकी फील्ड में अब जबरदस्त कामयाबी देने वाले हैं। नेम एंड फेम दोनों आपको मिलेगा। आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।